कहाँ जाएंगे? हमें कोई मकान के कोई लालच नहीं है, पर हमारी झुग्गी में छोटी जगह में खुश है। हमारी मम्मी 80 साल के घर में पड़ी है, कहाँ लेके जाएंगे ठंड में? कॉस्ट इन द सेंस की 1,42,000 वो आपको देना ही देना है, तो जो मैंने कहा जो नहीं देगा फिर उसको नहीं मिलेगा। राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर झुग्गियां हैं जिनको लेकर हमेशा ही पॉलिटिक्स गर्म रहती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ये झुग्गियां हटाकर जो लोग यहां रहते हैं उनको पक्के मकान दिए जाएंगे, लेकिन कब दिए जाएंगे, कहां दिए जाएंगे, इस पर भी पॉलिटिक्स बनी रहती है। और आज हम DID सफदरजंग कैंप में पहुंचे हैं, यहां भी एक झुग्गी कॉलोनी है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि क्या क्या परेशानियां इन्हें पेश आ रही हैं, क्योंकि ऐसे में इनका कहना है कि इनकी 4-4, 5-5 पुश्तें यहां पर रह रही हैं, 70-80 साल से ये लोग यहीं बसे हुए हैं, और ऐसे में अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर, घर के पूरा सामान लेकर ये लोग कब कहाँ जाएंगे इनको खुद भी नहीं पता है। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। तो कैसे, कौन आया था सर्वे करने? सर्वे करने DDA से आए थे मैम। क्या बोल के गए हैं? उन्होंने ये बोला है कि अपना अपना सर्वे करा लो, आपको पक्के मकान दिए जाएंगे। क्या 1,70,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, और जो घर मिलेंगे उनकी किस्त बांध देंगे, जब तक वो किस्त पूरी नहीं हो जाएगी 10-10, 12-12 लाख की, जब तक वो तुम्हारे घर नहीं मानने जाएंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप? पांचवी पीढ़ी चल रही है, पांचवी छठी पीढ़ी चल रही है, कम से कम 20-25 साल हो गए, 50 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते। हम हमारी मम्मी 80 साल के घर में पड़ी है, हम कहाँ लेके जाएंगे ठंड में? पहले कभी ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ अभी नहीं करा इन्होंने, ऐसा जिस तरह अब करे, एकदम धक्का दिया हम लोगों को। हाँ, कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे, पढ़ रहे हैं, बीच में रोजगार नहीं है, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? तक पूरे कागज जमा करो। कौन से कागज जमा करो? जो झुग्गियों के बनाओ या राशन कार्ड बनाओ या जो भी है वहाँ जमा करो। अच्छा, कहाँ जमा करने के लिए बोला है? ऑफिस बना हुआ है जी, कोई DDA पे वहाँ जमा करा दो, और क्या जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया वहाँ जमा करा दो। ये बात तुम पहले ही कहते कि राशन कार्ड जिसका है वो दे दो, नहीं दे, अब क्या, जिसका राशन कार्ड है ठीक है, जिसका नहीं है वो धक्के में जाएगा वहाँ पे, कहाँ जाए, कुएं में जाएगा वो? DDA कह रहा है आपको पक्के मकान देंगे, अब कोई पूरे फेंके हमें पक्के मकान देंगे? हम पक्के मकान इतनी दूर फेंकेंगे? हमारे बच्चे यहाँ जॉब करते कहाँ जाएंगे बच्चे? यही रहना है, हमें नहीं चाहिए पक्के मकान, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने हमारे सास ससुर हमारे परिवार के कम से कम 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं, बचपन बीत गया, पीढ़ियाँ बीत गई, कितनी भी आज करने जा रहे हैं एक काम 70 साल पहले करते तो हम कहीं बस जाते, अब जितनी हमारी जमा पूजी थी जो भी था हमने यहाँ लगा दिया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? वो कह तो रहे हैं आपको मकान देंगे, मकान देंगे तो पता ना कितने पैसे मांग रहे हैं, फिर हमें यहाँ से जाना नहीं है। कितने साल से, कितने 80 साल हो गए हमारे को, हम शादी होकर यहीं आए, तो उससे पहले मेरे सास ससुर यहीं थे, वो भी खत्म हो गए, अब हम इतने बुढ़े, हमारे जवान जवान लड़कियों की शादी हो गई, सब चीज यहीं हुआ, पर ऐसे हमने कभी नहीं सुना। 80 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते रहते, अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छी बात तो है अगर आपको पक्के मकान मिल जाए इसके बदले, तो कहाँ मिलेंगे पक्के, वो कहाँ फेंकेंगे हमको कोई पता है? हमारे को जो यहीं मिल जाए हमारे को यहीं रहने दो, पक्के मकान में नहीं जाना, हमें यहीं पक्का कर दे, हमने अपने पैसे लगा के कर्जा काट के बनाया है इतनी मुसीबत से, इतने हाँ सारे बच्चे हमारे इतना परेशान हो रहे हैं, हमें कहीं और नहीं जाना, हमें यहीं शिफ्ट करना है। के अंदर घुस के पूरे में वीडियो घुमा करके उन्होंने वीडियो बनाई है इसके साथ फिर वो एक स्लेट दी कि पहले इसके साथ फोटो खिंचवा, फिर हमें अगला हटा दिया, फिर अंदर कमरों में से ली फोटो, अंदर कमरे ये किया। की सीधी बात यह है कि हमारे जब बुजुर्ग 80-90 साल के हो गए हैं तो हमारी उम्र, हमारी शादियों की हमारी उम्र यही बीत जा रही है, बच्चे पढ़े, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमें मकान नहीं चाहिए, मकान मत दो हमें, हमें कोई मकान के कोई लालच नहीं है, पर हमारी झुग्गी में हम छोटी जगह में बड़े खुश हैं। DDA का सर्वे जब से हुआ है तब से जिस तरीके से इन महिलाओं ने बताया कि घर में घुस घुस के जो वीडियोस बनाई गई हैं, क्योंकि DDA की तरफ से कहा जा रहा है कि ये झुग्गी हटा के इनको पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि इनकी पुश्तें यहाँ पर रही हैं और 70-80 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, तो एक जुड़ाव, एक लगाव इस जगह से उनका है, इसलिए अगर झुग्गी की जगह मकान देना है तो सरकार या DDA उनको यहीं पर मकान दे दे। तो ये सफदरजंग का DID झुग्गी एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने पक्के मकान अपने बना लिए हैं और बिजली मीटर भी लगे हुए हैं, और ये लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस प्रूफ सब चीज़ें यहाँ पर हैं, बिजली का मीटर देख रहे हैं आप। तो यही लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से इनको इन झुग्गियों से हटा कर कहीं मकान देना था तो ये काम बहुत साल पहले किया जाना चाहिए था, और अब क्योंकि इनकी पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं बहुत सालों से, तो ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
ये सारे इधर स्लम में जो भी घर थे वो लोगों ने पक्के घर बना लिए हैं। क्या कौन लोग आए थे, क्या कहना उनका? इसके बारे में मुझे पता नहीं कि ये बोलते हैं डीडी के लोग आए थे और वो ये जगह को लिख करके ये सारे तत्वों से लिख के ले गए और उसके बाद वो नोटिस आप लोगों ने देख ही लिया। तो ये नोटिस कैसे लगे ये हमारी समझ में नहीं आ रहे, जबकि ये लैंड डीडीए के अंडर के का है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तीन ग्रुप लड़ाई कर रहे हैं। डिफेंस बोलता है कि हमारी जगह लैंड, उसके बाहर बोर्ड लगे हुए सारे। एनडीएमसी बोलता है कि मेरे लैंड है। डीडीए बोलता है हमारी लैंड है। तो है किसके पहले, ये तो फैसला कर लें ये लोग। इसको इसी की समझ में ही नहीं आ रहा नोटिस है क्या, क्योंकि वो ये बोलना भी नहीं चाह रहे कि तोड़ेंगे। हाँ। ना ये कह रहे हैं कि हम इसको आपको दूसरी जगह दे रहे हैं कहीं। हाँ। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ। डीडीए वाला से आए थे यहाँ पे, हमारी उनसे बात हुई। हाँ। बोलते हमें कुछ पता नहीं, हमें बोला सर्वे करो। हाँ। तो हमने सर्वे करके लिस्ट लगा दी है। हाँ। लिस्ट के अंदर क्या होना है कुछ किसी को पता नहीं है। क्या किस चीज़ का सर्वे करके गए हैं, क्या कुछ बोला उन्होंने? हिमसेल्फ नॉट नोन कि क्या क्या होना है, उनको कुछ पता नहीं है। बस वो कर रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों के आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये लोग सब कुछ यहीं का, देखिए बिजली का मीटर लगा हुआ सब कुछ है। अगर यहाँ से निकाल के आप लोगों को पक्के मकान कहीं दिए जाएंगे तो वो तो अच्छी बात ही होगी। कोई लॉजिक नहीं उसका देने का ना, वो कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप मतलब बताया नहीं जा रहा है कि नहीं, कुछ नहीं बता रहे। अच्छा। कुछ बताना ही नहीं चाहते हो। अच्छा। कहते हमें कुछ पता ही नहीं है। मे भी ये टूट सकते हैं, मे भी ये नहीं टूटे, मे भी आपको मिल सकता है, कुछ नहीं कह सकते। और जो नए मकान आपको दिए जाएंगे उसमें क्या कुछ प्रावधान है, क्या उसके बारे में प्रावधान? पहले तो ये पता ही नहीं कि मिलेंगे। और डीडीए के कोई आए थे, सीनियर थे उनके स्टाफ में, उनका कहना ये था कि हम जो मकान आपको देंगे उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट इन द सेंस कि 1,42,000 वो आपको देना ही देना है। तो जो मैंने कहा जो नहीं देगा बोला उसको नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर क्यों नहीं मिलेगा, उसका मकान क्यों तोड़ोगे आप? बोला ठीक है हम उसको बैंक से लोन कराएंगे। मैं जो कैपेबल नहीं है लोन की ईएमआई देने में उसका क्या करोगे? और ऐसा होगा बंदा लोन की ईएमआई नहीं देगा, मकान छिन जाएगा उसका, फिर रोड पे आ जाएगा वो। बोला नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैंने आप अगर होने नहीं देगा तो इसको रहने तो तोड़ो मत इसको। सफदरजंग डीआईडी का ये झुग्गी कैंपस हमने देखा, जहाँ पर लोगों का कहना है कि 70-80 साल से वो लोग कंटिन्यू यहाँ पर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी इन लोगों का इस जगह के साथ है कि बहुत सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर सरकार इनको पक्का मकान देना चाहती है तो इसी जगह पर दे। कैमरामैन कड़क सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, दिल्ली।